गुलबर्गा शहर में दिन दहाड़े एक एडवोकेट का गला काट कर पत्थरों से सर पर हमला कर कत्ल करने का वाकया पेश आया है। इरन्ना पाटिल एडवोकेट उदनूर विलेज के रहने वाले थे और आज सुबह घर से कोर्ट को आने के टाइम राम मंदिर के करीब कुछ बदमाशों ने इन पर तेज धार हथियारों से हमला किया है। इरन्ना पाटिल एडवोकेट बाइक पर सवार थे और इन पर हमला होता देख कि अपनी जान बचाने वहां से भागने की कोशिश किए। कुछ ही दूरी पर ये एक अपार्टमेंट में जा पहुंचे और इनका पीछा कर बदमाशों ने इन पर हथियारों से और पत्थरों से हमला कर कत्ल कर दिया है। इस वारदात के बाद यूनिवर्सिटी पुलिस टीम और पुलिस कमिश्नर ने स्पॉट पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन किया और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। दिन दहाड़े एक एडवोकेट के कत्ल की वारदात को देख गुलबर्गा के तमाम एडवोकेट्स ने प्रोटेस्ट कर गुस्से का इजहार किया है। तमाम एडवोकेट्स ने कहा, आज के दौर में एडवोकेट के साथ हर आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आ रहा है। लगातार पिछले कई सालों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की मांग की जा रही है, पर एडवोकेट्स के इस मुतालिबे को नज़रअंदाज किया गया है। एहतजाज के दौरान तमाम एडवोकेट्स ने ऐलान किया है कि एडवोकेट इरन्ना गौड़ा पाटिल का कत्ल करने वाले बदमाशों का कोई केस नहीं लड़ेगा। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details. ಕೋಟಿ ಘಂಟೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ನೀ ಅಂದಲೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಬಚ್ಚಿನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ತೀರ್ನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಾರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತ ಮೂವರ್ ಅಂತಂದರು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಆಸ್ತಿ ಹೇಳ್ ತಿನ್ನ ಸಲ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಒಣೇ ಕಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದ್ರ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಮನೆಯಾಗ ಹೊಡೆದಿರ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ ಮನಿ ತಳದ ಮೂವರ್ ಅಂತಂದಾರು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಮ್ಯಾಲ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಈಗ ನಮ್ಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಹಂಗ ನಮ್ಮನೆ ಹಿಂದ ಮುಂದ ಮಕ್ಕಳವ ಹೊಡ್ದಾನ ಊರನ್ ಮನೆ ಹೊಡ್ದಾನ ಈಗ ತಗೊಂಡವ ನಾಯ್ಕೊಡ ಬುಡ ಕಲ್ತ ಅವನೇ ಚೆಗ್ ತಗೊಂಡ ಅವನೇ ತಗೊಂಡಾನ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಗಂಟೆ ಅವ್ಯ ಹಾಗೆ ಅವ್ ಎಸ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇದ್ದವ್ರು ಸದ್ಯ ಎಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಕಂಟಿ ಅವ್ಯ ನನ್ ಮಗನ ಜೀವ ತಗೊಂಡವ್ರ ಅವ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಬೀಳ್ಗಾಡ್ದ್ರಿ जो गुलबर्गा बार एसोसिएशन जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसका वजह आज सुबह 11 बजे एडवोकेट इरन्ना गौड़ा पाटिल उदनूर जो अपने यूनिफॉर्म में ब्लैक कोट और बैंड पहन के टू व्हीलर पर कोर्ट को आते समय चार लोग आके उनको मारने के लिए पीछा करते हैं। वो भागते भागते 200 मीटर भागते भागते एक अपार्टमेंट में जाके कंपाउंड हॉल में फंस जाते हैं। तो उनको वहाँ से पहले उनको तलवार से उनका गला काटते हैं, उसके बाद उनके दोनों आर्म्स को मारते हैं, कट करने का ट्राई करते हैं, और उसके बाद एक 10-15 किलो केजी का पत्थर उनके मुंह पर डाल के पूरा उनका स्मैश कर देते हैं उनका फेस। हमारा जो प्रोटेस्ट है आज, ये प्रोटेस्ट इतना स्ट्रांगली हम ये एक्ट कंडम करते हैं कि ये वाक्य दिखाता है कि यहाँ हमारे सोसाइटी में एडवोकेट्स प्रोटेक्ट नहीं है। इसका मेन रीज़न है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट में एक एडवोकेट्स एक्ट बिल पेंडिंग है, वो बिल पास ना करने की वजह से ऐसे वाक्य होने के, अभी भी इन फ्यूचर भी ऐसे वाक्य होने के हम देख सकते हैं। तो हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है एक ही है, हमारा ऑब्जेक्ट वो है प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास करना,
दूसरा हर एक एडवोकेट हमारे सोसाइटी में सेफ्टी और प्रोटेक्शन हमारा पहला मान्य है, और तीसरी बात जो लोग ये जो वाकया किया ये लोग उनको पहले पुलिस अरेस्ट करना है। चौथी बार हम पूरे नेशन में एक रेजोल्यूशन पास करके भेज रहे हैं कि वो एक्यूज के परवाह से कवर के कोई भी वकालत नहीं डाल सकता, वो खुद उनका केस लड़ना है और एडवोकेट पूरा एक साथ होकर ये एक्ट के लिए फाइट करेंगे और वाकया के लिए फाइट करेंगे। शुक्रिया। ये वजह क्या थी हत्या होने की? नहीं, वजह तो हमारे को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंस क्या है बोले तो वो जो एडवोकेट था यूनिफॉर्म में आते वक्त उनको ये इतने ब्रूटल मर्डर कर देते हैं। उनका जो बैंड है वो बैंड और ब्लैक कोट फुल ब्लड स्टेंड है, तो वाकया किसकी वजह से हो गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वाकया किसके ऊपर कौन से यूनिफॉर्म में था होना वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा एक ही मतलब है, एडवोकेट जो यूनिफॉर्म में है उनको आप ऐसा असोल्ट करते हैं तो दूसरे एडवोकेट्स का क्या सेफ्टी है। तो यही बोलने की वजह से ले यही हमारा रैली पहुंचाना है स्टेट गवर्नमेंट को कि पास करो एडवोकेट्स एक्ट बिल पास करने के लिए। इवत मुंजाने 11 घंटे के सरिया नम वकील ड्रेस मेगे कोर्ट के बरवा यारो दुष्कर्मी अड्डी हल्ले बर्बर हत्यारे कूड़े बंधिस अदरते नानु बार असोसिएशन अध्यक्षन तमल सरकार मन ताु दिन बिल पास अदी दयमी मुख्यमंत्री नम ना ताऊ मुख्यमंत्री ताऊ वकील कल आद कारण नानु तमल्ली तम कैबिनेट सरकार के मनवी मेने नम हाईकोर्ट बार असोसिएशन वत बेगने ताऊ तले हिड़ वकील रक्षण कायदे बेगने जारी तरु भाग नायक राजकीय व्यक्ति बेबल सूची ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.